नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, BES यूनियन स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 3 विषय हिंदी पाठ 4 सही शब्दों की पहचान एटले के साचा शब्दों की ओळख मेळवीशुं। एमां पहलो प्रश्न है, सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ, एटले के खरा शब्दों की सामे खरा नु चिन्ह करो। जुओ अहीं चित्र आपेला छे अने बाजू में कौंस आपेला छे। त्रण कौंस माथी त्रण विकल्प माथी जे साचो विकल्प होय एनी सामे बॉक्स में खरु करवानु छे। आपणे अहीं गारी उदाहरण समझावेलू छे। जुओ अहीं एक पोपट नु चित्र छे, मोर टोटा और कौवा तीन डीए गए है, तो इसमें से ये चित्र किसका है? तो टोटे का, तो यहाँ टोटे पे खड़ा किया है। दूसरा चित्र है, दूसरा किसका चित्र है? गाय, घोड़ा या बकरी, तो ये चित्र किसका है? गाय का, तो हम गाय के सामने सही का चिन्ह करेंगे। उसके बाद कौन सा चित्र है? त्रिशूल, तीर या बंदूक, तो ये कमान से निकला हुआ तीर है, तो ये किसका चित्र है? तीर का, तो तीर के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद किसका चित्र है? तबला, पखाल या डमरू, तो ये डमरू का चित्र है, तो डमरू के सामने सही का चिन्ह करना पड़ेगा। और ये किसका चित्र है? हमारे भरूच में बहुत सारी घूमती रहती है, क्या है? रिक्शा, तो रिक्शा के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद क्रिकेट का सामान है, ये कौन सा सामान है? लकड़ी, पेंसिल या बैट, तो ये बैट का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? बैट का, तो बैट के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद ऊपर देखते हैं, अब ये साग भाजी है, तो कौन सी साग भाजी है? तो ये बैंगन है, तो बैंगन के सामने सही का चिन्ह। ये किसका चित्र है? तो ये डॉक्टर का चित्र है, तो डॉक्टर के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद देखिए, ये एक मछली का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? मछली, तो हम मछली के सामने सही का चिन्ह करेंगे। ये कौन सा फूल है? गुलाब, मोगरा या सूर्यमुखी, ये पीला पीला है जो सूर्य के सामने अपना मुख रखता है, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद ये किसका चित्र है? हमारा राष्ट्रध्वज है, रजाई है, झंडा है या ध्वजा है, तो ये हमारी ये झंडा है, तो झंडे के सामने सही का चिन्ह। अब देखिए, ये किसका चित्र है? बिल्ली, चूहा या शेर, तो ये बिल्ली का चिन्ह चित्र है, तो बिल्ली के सामने सही का चिन्ह करेंगे। अब हम दूसरा पेज देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाए। ये एक पतंग दी गई है, इसे क्या कहते हैं? वर्ग, त्रिभुज या पतंग, तो पतंग पे सही का चिन्ह कीजिए। उसके बाद क्या है? जो छोटी बच्चियाँ खेलती रहती है इसे गुड़िया, गुड़िया या खिलौना कहते हैं, ये गुड़िया है, तो गुड़िया के सामने सही का चिन्ह। ये क्या है? ये किसका चित्र है? एक स्त्री का चित्र है, पर कौन सी है? राजा, रानी या राजकुमार, तो ये रानी का चित्र है, किसका चित्र है? रानी का। अब नीचे देखते हैं, ये किसका चित्र है? ये तो सबको पता होना चाहिए, तारा, चंद्रमा या सूर्य, तो ये सूर्य का चिन्ह है। उसके बाद क्या है? नाव, जहाज या नारकी, तो नाव का चिन्ह है, नाव के सामने सही का चिन्ह।
और ये क्या है, बहुत उछल कूद करता रहता है, केले खाता है, ये किसका चित्र है? बंदर, गधा या शेर? तो ये बंदर का चित्र है, बंदर के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। अब ऊपर देखते हैं, ये एक फल का चित्र है, कौन सा फल है? सेब, अमरूद या शरीफा? तो ये सेब का चित्र है, तो सेब के सामने सही का चिन्ह करेंगे। और ये किसका चित्र है? वैन, कार या ट्रक? तो ये कार का चित्र है, कार के सामने सही का चिन्ह। ये किसका चित्र है? तो ये बंदूक का चित्र है, तो बंदूक के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल किसका चित्र है? तो ये अंडे का चित्र है, तो अंडे के सामने सही का चिन्ह। उसके बाद किसका चित्र है? तो गुलाब का, गुलाब के सामने सही का चिन्ह। और लास्ट में हम, हमारे पापा दादा सब पहनते हैं, ये क्या है? कलाई घड़ी, तो कलाई घड़ी के सामने सही का चिन्ह। अब तीसरा पेज देखते हैं, क्या लिखा है? खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो, એટલે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર મૂકીને નામ પૂરું કરો। જુઓ ઉપર તમને આપેલું છે નામ, ફક્ત તમારે જોઈને લખવાનું છે। તો એ કિસકા ચિત્ર હૈ? ગાય કા, તો હમે ક્યા લખના હોગા? ગા। એ કિસકા ચિત્ર હૈ? બકરી, તો હમે લિખના હોગા રી। એ શિક્ષક, તો શી। એ ક્યા હૈ? પોલીસ, तो पुलिस। ये किसका चित्र है? कुम्हार, तो हाँ लिखना होगा। ये किस, ये कौन सा फल है? तो संतरा, तो संत। ये किसका है? मटर, यानी हमें म लिखना होगा। इसके बाद क्या है? सेब है, तो यहाँ लिखना होगा सेब। ये किसका चित्र है? अमरूद, अमरूद। ये अंगूर है, तो अंगूर। ये है लौकी, ये है आलू, ये बैंगन, ये भैंस। कौन है? भैंस। ये क्या है? ऊंट, जो रण प्रदेश में बहुत देखे जाते हैं। और लास्ट, उसके बाद क्या है? डाकिया, तो हमें क्या लिखना होगा? की। क्या लिखेंगे? की, डाकिया। उसके बाद क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर। उसके बाद दर्जी, दर्जी। और हलवा ई। और लास्ट में क्या है? बढ़ई, तो बीच में हमें लिखना होगा ड। और लास्ट में है स्वाध्याय, तो हम स्वाध्याय देखेंगे। चित्रों को उनके नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाओ, जो चित्र है उसे हमें उसके नाम के साथ मिलाना है। तो पहला है मछली, मछली। दूसरा क्या है? डिबिया, क्या है? डिबिया। और तीसरा है आम। चौथी है खिड़की। पांचवा क्या है? तितली। और लास्ट में क्या है? ककड़ी। तो इस तरह से आपको जोड़ना होगा। दूसरा, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। जो अहीं आपने उदाहरण आपेलू छे, कछु, आ आपेलो छे, तो आपने पाछळ लगावानुं रहेशे आ। तो दूसरा होगा मछुआ, मछुआ। उसके बाद क्या होगा? बटुआ, बटुआ। सबके सामने, सबके पीछे हमें आ लगाना होगा। उसके बाद क्या है? महुआ। और दूसरा प्रश्न देखिए, ईमान दिया गया है, तो हमें लिखना है दूसरे शब्द, ईसाई,
ईशा ई। उसके बाद क्या है? ईख। और लास्ट में क्या है? ईरा न। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है? पहले दिया गया है बगुला, दूसरे में क्या आएगा? बटक। बटक यानी बटक। तीसरा क्या है? बरसात, जो अभी उसकी सीजन चल रही है, बारिश गिरती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? बरसात। और लास्ट में क्या आएगा? बकरी। ओके, लास्ट में आएगा बकरी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे जोयो पाठ नंबर 4, सही शब्दों के पहचान એટલે કે સાચા શબ્દોની ઓળખ। આ જેટલું મેં લખાવ્યું છે એ બધું જ તમારે તમારી નોટબુકમાં 3 વાર લખવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।